दोस्तों चाहे आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल हो, अगर पीछे की व्हील में डिस्क ब्रेक सिस्टम है तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए एक प्रॉपर गाइड, ताकि आप खुद से ब्रेक पैड घर पे ही चेंज कर पाओ एंड कुछ मनी सेव करके अपने दोस्तों के ऊपर स्पेंड कर सको। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिए, ताकि कोई भी स्टेप गलती से भी मिस ना हो पाए। और अगर आप सर्विस सेंटर में चेंज करते हो तो आपके गाइडेंस में कोई स्टेप को स्किप ना करके आपको मिले 100% सेटिस्फेक्शन। वैसे रियर ब्रेक पैड चेंजिंग के प्रोसेस में हमें टूल्स चाहिए, एक एलन की, 22, 27 और 8 नंबर का स्पैनर या हेक्स सॉकेट या फिर रेंच होने से भी काम चल जाएगा। मैं इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आप जानते ही हो हमें चाहिए ब्रेक पैड एंड टॉपअप के लिए .3 या .4 ब्रेक ऑयल एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। थोड़ा सा केरोसिन या फिर कोई भी पेट्रोलियम क्लीनर चलेगा एंड कुछ कॉटन के कपड़े। सबसे पहले एलन की से ब्रेक कैलिपर का 2 बोल्ट को करना है लूज, ताकि बाद में ब्रेक पैड निकालना आसान हो जाए। अभी व्हील एक्सल नट को लूज करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक हेक्स सॉकेट और एक स्पैनर का। वैसे हेक्स सॉकेट ना हो तो आप स्पैनर या फिर रेंच का भी यूज कर सकते हो। अभी स्पैनर से एक्सल को थोड़ा सा प्रेस करते ही व्हील हो जाएगा लूज। लेकिन याद रहे, पूरा एक्सेल बोल्ट को हमें निकालना नहीं है, ओनली राइट साइड को डिटैच करने से प्रोसेस हो जाएगा इजी। पूरा एक्सेल बोल्ट को निकालने से ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी ब्रेक कैलिपर सिस्टम को स्लाइड करके आर्म से डिटैच करना है एंड इसे बोला जाता है रियर व्हील बुश। संभाल के इसे रखना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप जानते ही हो, ब्रेक पैड्स को कैलिपर से अलग करने के लिए एलन की से दोनों बोल्ट को निकाल लेना पड़ेगा। अगर कैमरा जस्टिस कर रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ब्रेक पैड्स ऑलरेडी घिस चुका है। वैसे मैंने बाय किया है यामाहा का रियर ब्रेक पैड्स। आज के डेट में इसका प्राइस है 995, जो काफ़ी कॉस्टली है। आप चाहो तो बजट फ्रेंडली ब्रेक पैड्स भी बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हो या फिर 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में आप ड्राइव नहीं करते, तो बजट फ्रेंडली ब्रेक पैड आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज हाईवे में अगर हाई स्पीड ड्राइव आप लोग करते हो तो ओरिजिनल ब्रेक पैड रिकमेंडेड होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के लिए। आप देख सकते हो न्यू एंड ओल्ड ब्रेक पैड्स का डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हर कोई स्किप कर जाता है एंड इसके लिए थोड़ा सा केरोसिन या कोई भी क्लीनर का आप यूज कर सकते हो एंड हमें चाहिए एक यूज्ड पुराना टूथब्रश। एंड इसमें थोड़ा सा केरोसिन लेके मैं कैलिपर पिस्टन को अच्छे से साफ करूंगा, क्योंकि कैलिपर से पिस्टन को अगर प्रेस करते हैं देन धूल मिट्टी या फिर डस्ट अंदर कैलिपर ऑयल सील को खराब कर सकता है एंड ब्रेक जाम का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। वैसे इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को जरूर देखिए। आप देख सकते हो क्लीन हो चुका है। अभी एक क्लीन कपड़े से हम पिस्टन को कर देंगे साफ। थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड पिस्टन के ऊपर
अप्लाई करेंगे लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि आसानी से पिस्टन कैलिपर के ओ रिंग के अंदर चला जाए। एंड पिस्टन को अंदर प्रेस करने का सबसे आसान तरीका होता है पुराने ब्रेक पैड्स को फिर से इंस्टॉल करना। एंड ओनली एक बोल्ट अगर आप इंस्टॉल करते हो तो काम हो जाता है और भी आसान। एंड एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे करेंगे अंदर प्रेस, जैसा मैं कर रहा हूं। अभी नया ब्रेक पैड्स को करेंगे इंस्टॉल। जैसा कि आप जानती ही हो, ब्रेक पैड्स को ऊपर की तरफ प्रेस करना है एंड इन दो बोल्ट को कैलिपर के अंदर करना है फिट। अभी एक्सेल बूस्ट को सेट करके ब्रेक कैलिपर को स्लाइड करके आर्म के साथ हमें इसे करना है अटैच एंड फुल्ली इंस्टॉल। एंड फाइनली एक्सेल को करना है सेट। क्योंकि हमने पिस्टन को अंदर प्रेस किया है तो कैलिपर सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड प्रेशर बढ़ जाने का चांसेस रहता है, या फिर कभी कभी एयर बबल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड हम लोग ब्लीड कर लेंगे। और अगर ब्रेक फ्लूइड को कैसे ब्लीड किया जाता है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। फाइनली ब्लीडिंग के लिए अगर ऑयल टैंक में ऑयल खत्म हो गया है तो मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल चेक करके जरूर टॉप अप करने के बाद इस प्रोसेस को करें। एंड इसके लिए हमें 8 नंबर का स्पैनर का ज़रूरत पड़ेगा और एक 10 रुपीज़ में मिलने वाला जो वाइट कलर का पाइप होता है, जो किसी भी हार्डवेयर स्टोर में आपको मिल जाएगा, वो चाहिए। अगर ना भी हो तो भी चलेगा। पहले ब्रेक को थोड़ा सा पंप करके ब्रेक को प्रेस करके रखना है एंड एट द सेम टाइम कैलिपर ऑयल बोल को लूज करने से आप देख सकते हो पाइप के अंदर फ्लूइड निकलना चालू हो जाएगा। एंड फिर से हम इसे कर देंगे टाइट। अभी आप ब्रेक को रिलीज कर सकते हो, इससे एयर बबल जाने का कोई चांसेस नहीं रहेगा एंड ब्रेक पैड सक्सेसफुली हो जाता है रिप्लेस। दोस्तों ये टोटल प्रोसेस आप घर पे ही ट्राई कर सकते हो एंड मैंने जितना भी सारा टूल्स यहाँ पे यूज किया है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप खुद से ब्रेक पैड को रिप्लेस करते हो तो आप कुछ मनी सेव करने के साथ साथ आपको मिलेगा एक सेटिस्फेक्शन भी। तो ऐसे ही बजट फ्रेंडली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बिलावेट दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।